हेलो एवरीवन, कंट्रोल स्ट्रक्चर का टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बट कुछ कुछ बेसिक बेसिक से टॉपिक्स हैं जो हमारे को आने चाहिए, जैसे नेस्टेड लूप है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट है, तो उन सब छोटे छोटे से टॉपिक्स को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ओके सो देखो भाई, नेस्टेड लूप्स क्या है? नेस्टेड लूप्स हैं भाई जस्ट लाइक नेस्टेड इफ, नेस्टेड लूप्स मीन्स लूप विद इन लूप। ओके, तो एक लूप के अंदर अगर हमने दूसरे लूप को डाल रखी है तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे हम नेस्टेड इफ में बोला करते थे एक इफ के अंदर दूसरा इफ है, तो ऐसे बिल्कुल नेस्टेड लूप्स होंगे, एक लूप के अंदर दूसरी लूप। ठीक है, तो अब बेसिक सा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि लूप से ना कंट्रोल तब तक बाहर नहीं आता जब तक वो पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं लिख देता हूँ कि कंट्रोल विल नॉट कम आउट ऑफ लूप। ओके, कंट्रोल विल नॉट कम आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ लूप टिल इट इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड, टिल इट इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड। तो जब तक ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी या जब तक पूरी चल नहीं जाएगी तब तक हमारा कंट्रोल लूप से बाहर नहीं आता। अगर आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ चुके हैं तो नेस्टेड लूप्स को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी महसूस नहीं होगी, नहीं तो आप लोग फंसोगे। ठीक है, तो चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमने दिया फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू टेन, आई प्लस प्लस, फॉर जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन टेन, जे प्लस प्लस, प्रिंट एफ एबीसी। ठीक है, तो आप जरा मुझे समझाओ ये एबीसी कितनी बार प्रिंट होगा। सिंपल बात इतनी करो, फॉर आई इज इक्वल टू वन, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू वन मतलब आई की वैल्यू वन हुई, आपने चेक करा क्या वन इज लेस देन इक्वल टू टेन, यस। अगर वन लेस देन इक्वल टू टेन है तो हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये है हमारी बॉडी फॉर लूप की। ठीक है, तो ये है जी बॉडी ऑफ आउटर फॉर लूप, बॉडी ऑफ आउटर फॉर लूप। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब तक लूप पूरी एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक कंट्रोल लूप से बाहर नहीं आता, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी लूप चलेगी, उसके बाद ही हम लोग कंट्रोल हमारा मतलब लूप से बाहर आएगा, मतलब हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो इस स्टेटमेंट पे आने का, यहाँ पे ऑफकोर्स मैंने कुछ लिखा नहीं, बट मेन बात क्या है कि कंट्रोल यहाँ पे कब आएगा, जब ये वाली लूप पूरी चल जाएगी। इतनी बात समझ गए हो? अच्छा जी, और ये वाली लूप पूरी चल जाएगी कब, जब आई की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 11 हो जाएगी, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक तो चलेगा, 11 होते हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये वाली लूप कितनी बार चलेगी जी, ऑब्वियसली बात है 10 टाइम्स चलेगी। 10 टाइम्स चलने का मतलब क्या है, ये जो बॉडी ऑफ आउटर लूप, आउटर फॉर लूप है, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी जी, 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी, 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी। इतनी बात समझ पा रहे हो? मैं थोड़ा गंदा गंदा लिख रहा हूँ, प्लीज जो बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान लगाओ, जो मैं लिख रहा हूँ उसको छोड़ो, आप थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो फिर भी आप लिख लो। बॉडी ऑफ, ये मैंने क्या लिखा है, बॉडी ऑफ आउटर फॉर लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट। ठीक है, तो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अच्छा जी, अब सब कुछ छोड़ो, अब आप ध्यान इस पे लगाओ। ठीक है जी, ये क्या है जी, अंदर वाली फॉर लूप है ना। तो खास बात क्या है, जो फॉर लूप की बॉडी थी उसके अंदर भी एक मैंने फॉर लूप लगा रखी है, तो फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक फॉर लूप है। ठीक है जी, तो ये जो फॉर लूप है इसकी इसकी क्या कहानी है जी, फॉर जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन टेन, जे प्लस प्लस, तो ये भी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी जी, ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अच्छा जी, मैं आपकी बात मान गया, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, तो इसका मतलब इसकी बॉडी 10 टाइम्स चलेगी। तो मतलब ये है इसकी बॉडी, तो ये क्या है जी, बॉडी ऑफ इनर लूप। तो एक मैं अलग कलर से लिखता हूँ, दिस इज व्हाट बॉडी ऑफ इनर फॉर लूप, बॉडी ऑफ इनर फॉर लूप। ठीक है, और ये भी कितनी बार एग्जीक्यूट होगी जी, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अच्छा जी, तो मतलब क्या हुआ, जब भी कंट्रोल इस लूप पे आएगा ये क्या कहेगी, मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं पूरा चल ना जाऊं, तो मतलब ये पूरा चलेगी। तो मतलब आई इज इक्वल टू वन हुआ, आई इज इक्वल टू वन होते ही कंट्रोल हमारा इस लूप पे आया, और ये क्या करेगी, जैसे कंट्रोल, मैंने अभी आपको समझाते, देखो नीचे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, कंट्रोल विल नॉट कम आउट ऑफ लूप टिल इट इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड। जब तक वो पूरे चल ना जाए तब तक हमारा कंट्रोल लूप से बाहर नहीं आने वाला, मतलब आई इज इक्वल टू वन के लिए ये लूप पूरा चलेगी, मतलब 10 टाइम्स एबीसी प्रिंट होगा। फिर आई इज इक्वल टू टू होगा तो फिर 10 टाइम्स एबीसी प्रिंट होगा, फिर आई इज इक्वल टू थ्री होगा तो फिर 10 टाइम्स प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। तो टोटल कितनी बार प्रिंट हो जाएगा जी, 100 टाइम, आई थिंक आप गैस कर पा रहे होगे, नहीं तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। जब आई की वैल्यू वन हुई तो जे कहां से कहां तक जा रहा है भाई, जे वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 10, और इसका मतलब क्या हुआ जी, 10 टाइम्स एबीसी प्रिंट हो गया, मतलब जे की वैल्यू 11 हुई तो हम लूप से बाहर आ गए। अच्छा जी, उसके बाद फिर आई इज इक्वल टू टू हुआ, फिर दोबारा देखो ना भाई, दोबारा से हमारे पास जब आई इज इक्वल टू टू हुआ, मतलब ये देखो मैं ढंग से समझाऊं, तो देखो आई इज इक्वल टू वन हुआ, हमारा कंट्रोल इधर आया, इसने ये फिर पूरा लूप चल जाएगी, जे की वैल्यू 11 हो जाएगी और हम यहाँ पे आ जाएंगे।
है, मतलब ये देखो यहाँ पे हम लोग इधर आ जाएंगे जब ये पूरी लूप चल जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद ये की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। तो अब देखो, अब ये हमारे ये फोर लूप की बॉडी हमारी यहाँ कंप्लीट हो रही है ना, तो फिर हम ऊपर चढ़ेंगे चेक करने के लिए। तो मतलब चेक क्या, पहले तो ये करेंगे इंक्रीमेंट आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। आई प्लस प्लस किया हमने, 1 था तो 2 हो गया। फिर आप चेक करोगे क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, विच इज ट्रू। तो ट्रू हुआ तो फिर आप अंदर आ जाओगे, इस बॉडी को पूरा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे। तो मतलब मेन बात क्या हुआ, जब आई इज इक्वल टू 2 हुआ तो फिर से आप ये फोर लूप चला रहे हो, तो मतलब फिर से दोबारा जे की वैल्यू 1 सेट होगी। मतलब पहले जो 11 हुई थी वो छूट गई, अब दोबारा से 1 हो चुकी है और फिर ये पूरा लूप चलेगा एंड सो ऑन। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, जे आई इज इक्वल टू 2 के लिए फिर दोबारा से जे 1 टू 10 चलेगा, मतलब 10 टाइम्स एबीसी प्रिंट होगा। ऐसे ही चलते चलते आई इज इक्वल टू 10 के लिए फिर अगेन जे 1 टू 10 हमारा चलेगा और 10 टाइम्स एबीसी प्रिंट होगा। तो टोटल कितना टाइम्स होगा भाई, 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 टाइम्स हो गया। तो मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसा 10 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या होगा जी, 100। जिसको आप ऐसे बोल सकते थे 10 को 10 बार ऐड करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10 दैट इज 100। बात समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कर लो भाई, थोड़ा सा फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, इसको आराम से नोट डाउन कर लो ठीक है। हाँ जी, तो थोड़ा सा आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम एग्जैक्टली कैसे चला रहे हैं नेस्टेड लूप्स। ठीक है, थोड़ा और अभी घुसूंगा डिटेल में, थोड़ा और समझ में आएगा, इसको नोट डाउन करो पहले फटाफट। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन। अच्छा जी, अब देखो मैं आपसे थोड़ा थोड़े और क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं देखता हूँ आप लोग आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ जरा क्या करोगे आप लोग। तो इसी में करें या चलो नीचे बनाते हैं, दोबारा से बनाते हैं प्रोग्राम, कोई बात नहीं। ओके, तो देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, फॉर जे इज इक्वल टू 1। ओके, या एक एक दो बातें मेरे को पहले आप यहीं पे समझाओ, ठीक है, एक दो बातें आप पहले मेरे को यहीं पे समझाओ। अगर मैंने यहां से ये नोट कर लिया ना भाई आपने, अगर मैंने ये ब्रैकेट हटा दी तो आपको कोई परेशानी है? नहीं जी नहीं, क्यों, क्योंकि फोर लूप का बाय डिफॉल्ट हर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर का स्कोप एक लाइन का होता है और ये उसकी एक लाइन, तो यही हमारी चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मतलब ब्रैकेट ये वाले अंदर वाली हटा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, आई थिंक समझ गया होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था। अब आप जरा मुझे ये समझाओ, अगर मैंने ये वाली भी हटा दी तो क्या फिर प्रोग्राम के आउटपुट में कोई फर्क पड़ेगा? आपको लग रहा होगा पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देखो भाई, ये फोर लूप है ना भाई, इसका स्कोप बाय डिफॉल्ट हर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर का स्कोप एक लाइन का, तो इस फोर लूप का भी स्कोप एक लाइन का होगा, ये रही उसकी एक लाइन, ठीक है जी। तो अब इसका ये भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, फोर लूप है, तो इसका स्कोप कितना होगा, एक लाइन का, तो ये रही उसकी एक लाइन। तो बस नॉर्मल बिल्कुल जैसे आप चला रहे थे बिल्कुल वैसा का वैसा आउटपुट आएगा, 100 टाइम्स एबीसी हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो ब्रैकेट हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा हाँ, अब आओ वापस इधर, जो मैं मेन बात आपसे करना चाह रहा था, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस, और मैं आप देखो अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ ए बी सी, और यहां लिखता हूं जी प्रिंट एफ बैक स्लैश एन। आप बताना जरा आउटपुट कैसे आएगा इस प्रोग्राम का, थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। यही ये देखो, यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि आपको ढंग से समझ में आए कि एग्जैक्टली चलता क्या है। देखो फोर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन आई प्लस प्लस, मतलब फोर लूप, ये देखो ये है जी पूरी बॉडी, ठीक है जी, दिस इज द बॉडी ऑफ योर आउटर फोर लूप। अच्छा, इस वाले फोर लूप की बॉडी कौन सी है, मैंने आपको बार बार समझाया एक लाइन का स्कोप होता है, तो फिर यही है बॉडी इसके, ठीक है। तो ये है जी बॉडी ये इनर वाली फोर लूप की, तो फिर ये कहाँ है भाई, ये आउटर लूप के स्कोप के अंदर है, इनर लूप के स्कोप के अंदर नहीं आई है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ स्कोप ऑफ या इन स्कोप ऑफ आउटर लूप, ये आउटर लूप के दायरे में, स्कोप मतलब दायरा, ये आउटर लूप के दायरे में है भाई, इनर लूप के दायरे में नहीं है। तो अब आप जरा मुझे समझाओ इसका आउटपुट क्या आएगा, आई थिंक आप गैस कर पा रहे होगे। आई इज इक्वल टू 1 होगा, जे 1 टू 10 चलेगा, जे प्लस प्लस करता करता 10 बार एबीसी प्रिंट करा लेगा। जब 10 बार एबीसी प्रिंट हो जाएगा उसके बाद बैक स्लैश एन होगी, उसके बाद फिर ये दोबारा से चलेगी लूप, है ना। तो फिर आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर 1 टू 10 एबीसी 10 टाइम्स प्रिंट होगा और फिर नेक्स्ट लाइन आएगी एंड सॉन। तो मतलब समझ पा रहे हो कैसे आउटपुट आएगा, एबीसी एबीसी डॉट 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 10 टाइम्स आ जाएगा एबीसी, ठीक है। ये हो गया जी 10 टाइम्स, और जब ये प्रिंट हो गया 10 टाइम्स, हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद प्रिंट एंड बैक स्लैश एन होगा, तो फिर नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल आएगा, फिर यहाँ पे आएगा जी एबीसी एबीसी डॉट 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 एबीसी, है ना, ये मैट्रिक्स टाइप बन गया, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ऐसे चलते चलते ये एबीसी फिर एबीसी डॉट 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 एबीसी, तो ये भी हो गया जी 10 टाइम्स। इस तरह से प्रॉपर आउटपुट नजर आएगा। ये चीजें ना मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे पैटर्न वाले क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे शायद आप लोग फंसोगे, इसलिए मैं ढंग से आपको समझा रहा हूँ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। तो 10 इंटू 10 100 टाइम्स टोटल एबीसी हमारे पास नजर आ रहा है, और वो कैसे नजर आ रहा है, इस टाइप से नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बार इसको नोट करो, फिर मैं थोड़ा सा और घुसता हूँ डिटेल में, है ना, नोट डाउन करो फटाफट इसको।
एक स्क्रीन पे आ गया, आप नोट डाउन कर लो, कर लिया। अच्छा जी चलो, अब आप जरा मुझे समझाओ। सपोज करो मैंने यहाँ और यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा दी होती तो फिर कैसे आउटपुट आता? आई थिंक आप समझ पा रहे होगा, बैक स्लैश एन अंदर वाली फोर लूप के स्कोप के अंदर है, तो जब जब एबीसी प्रिंट होगा तब तब बैक स्लैश एन आएगा, मतलब पहला एबीसी, फिर दूसरा एबीसी, फिर तीसरा एबीसी, डॉट 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 डॉट, ऐसे 100 टाइम्स आएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सिंपल बातें हैं भाई, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए ठीक है जी, इसको कर लो नोट डाउन, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर लिया, चलो ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नेस्टेड लूप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो आप देखो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 to 10, 1 to 10 की टेबल प्रिंट करवानी है हमारे को। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर है सबकी टेबल, मतलब पहले देखो स्क्रीन पे ऐसा आना चाहिए 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3 एंड सो ऑन अप टू 10। समझ पा रहे हो? देखो मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, चलो यही दिखा देता हूँ आपको। 1 into 1, 1, 1 into 2, 2, ऐसे स्क्रीन पे मेरे को आउटपुट चाहिए। 1 into 3, 3, डॉट 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 डॉट, फिर 1 into 10, 10, फिर 2 into 1 शुरू हो जाए, 2, 2 into 2 शुरू हो जाए, 2, सॉरी 4, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को पूरी टेबल बनानी है 1 to 10 तक। ये कैसे बनाएंगे? देखो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने अभी हमने एक किसी एक नंबर की, कोई भी कीबोर्ड से हम नंबर डालते थे, उसकी टेबल कैसे प्रिंट करानी है, ये प्रोग्राम मैं आपको पहले बनवा के दिखा चुका हूँ। आप मेरा व्हाइल लूप का वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, आई थिंक कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 6 या 7 होगा, मेरे को एक्जैक्टली नंबर याद नहीं है, चेक कर लेना भी, मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा था। जहाँ पे व्हाइल लूप पढ़ाई थी मैंने वहां एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, तो अब देखो उसी प्रोग्राम को बिल्कुल थोड़ा सा मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। देखो हम क्या कहते थे, मैं आपको ऐसे समझाता था। ये देखो टेबल प्रिंट कराने ना, तो ये नंबर हो गया था जी, देखो ये हो गया था जी हमारे पास नंबर एन, जो भी हमने कीबोर्ड से डाला था। ये तो हमारे को 1 to 10 चलाना ही चलाना था, ये लूप की हेल्प से चला लेते थे, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट नजर आया करता था, है ना। तो मतलब एन इंटू आई, है ना, तो हम वही लिखा करते थे। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, है ना। और मैं सीधा आकर के यहाँ बोलता था प्रिंट एफ परसेंटेज डी मल्टीप्लाइड बाय, अगर याद नहीं आ तो प्लीज मेरा वीडियो देखो भाई, फॉर व्हाइल लूप का, वहां मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। परसेंटेज इनटू परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज डी, तो पहला वाला परसेंटेज डी किसके लिए होता था जी, नंबर के लिए होता था। दूसरा किसके लिए होता था जी, आई के लिए होता था। तीसरा किसके लिए होता था जी, एन मल्टीप्लाइड बाय आई के लिए होता था, आपको याद आ रहा होगा, है ना। हाँ जी, तो बस तो ये एक किस्म से हमारे पास, अच्छा साथ साथ हम बैक स्लैश एन भी डाल देते थे यहाँ पे, है ना, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो एक बार आ गया कुछ तो फिर नेक्स्ट नई लाइन में आना चाहिए ना। जैसे देखो आपने ये एक बार प्रिंट करा दिया 1 into 1 is equal to 1, तो नेक्स्ट लाइन में चाहिए ना 1 into 2 is equal to 2 एंड सो ऑन, तो इसीलिए हमने ऐसा कर रखा है। इतना आपको समझ आ गया? अब ये जो एन होता था ये हम कीबोर्ड से डाला करते थे अपनी मर्जी से, तो मैं उसको स्कैन ऑफ भी करवाता था एंड सो ऑन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब यही तो हमारा एक किस्म से 1 to 10 की टेबल है ना भाई, तो यही एन 1 to 10 घुमा दो, हमारी बात वही खत्म। तो बस कुछ नहीं करना आपको, बस एक ऊपर लूप चला देनी है फॉर एन। इतना प्रोग्राम क्या है, मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये प्रोग्राम है जी टेबल के लिए, किसी भी इनपुटेड नंबर की टेबल प्रिंट कराने के लिए। अब एन हमारे कीबोर्ड से डालते थे, अब इसको कीबोर्ड से ना डाल करके लूप में घुमा दो बस। तो इसी पूरे प्रोग्राम को आप लूप में घुमा दोगे, तो अब क्या बोलोगे, फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन इज लेस देन इक्वल टू 10, एन प्लस प्लस, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, तो कितना सिंपल प्रोग्राम है, देख पा रहे हो? तो बस अब ये हमारी 1 to 10 की टेबल प्रिंट करा देगा। अब दिक्कत थोड़ी सी ये आएगी यहाँ पे, दिक्कत ये आएगी जैसे ही 1 की टेबल खत्म होगी फिर 2 की टेबल शुरू हो जाएगी, फिर इमीडिएटली 3 की टेबल शुरू हो जाएगी एंड सो ऑन। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा बीच में गैप आना चाहिए, एक है ना, तो गैप मतलब एक नेक्स्ट एक बीच में लाइन गैप होना चाहिए। तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, आप सिंपली यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आप क्या लिखोगे मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे लिख देना प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन। तो अगर आपने ये लगा दिया तो फिर अब देखो अब ये क्या होगा भाई, ये जो बैक स्लैश एन है ना, प्रॉब्लम ये आएगी कि इस लूप के भी बाहर हो गया, क्योंकि देखो इस लूप का स्कोप एक लाइन का ये रहा, इस लूप का स्कोप एक लाइन का ये रहा, तो फिर ये तो बिल्कुल बाहर हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा, जो मैंने प्रीवियस देखो प्रीवियस स्लाइड में आपको ढंग से समझाया था बैक स्लैश एन एंड सो ऑन, तो यहाँ पे आपको और समझ में आ रहा होगा। ये सब पैटर्न वाले क्वेश्चन का बैकग्राउंड बना रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझ लें सब चीजों को। जरा सा भी डाउट आता है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा चीजें। हाँ जी ठीक है जी, तो प्रिंट एफ बैक स्लैश करने का मतलब क्या होगा, अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे गैप आ जाएगा 1 to 10, मतलब देखो 1 to 1, 1 into 2, 1 into 3 एंड सो ऑन अप टू 1 into 10, फिर एक गैप आएगा उसके बाद, फिर 2 into 1, फिर 2 into 2, फिर 2 into 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये जो बैक स्लैश एन है ये किसके स्कोप के अंदर है, ये इस वाले लूप के स्कोप के अंदर है, इस वाले के स्कोप में नहीं है, क्योंकि इसका स्कोप तो एक लाइन का होगा, ये इसकी एक लाइन। समझ पा रहे हो? अंदर वाली फोर लूप का स्कोप एक लाइन का, तो ये इसकी एक लाइन।
ना, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बैक स्लैश एन इस वाले आउटर लूप के स्कोप के अंदर है, तो गैप आना शुरू हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अब थोड़ा सा मैं और चेंज करना चाहता हूँ प्रोग्राम को। अब मैं क्या चाहता हूँ देखो, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे चले वन की टेबल, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, वन इंटू टू इज इक्वल टू टू, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे चले टू की टेबल, टू इंटू वन इज इक्वल टू टू, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर, डॉट 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 ऐसे। यहाँ पे चले थ्री की टेबल, थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स, थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन, ऐसे चलता रहे, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक गैप आए, जब यहाँ पे आ जाए ना हम लोग, वन इंटू टेन इज इक्वल टू टेन, टू इंटू टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी, थ्री इंटू टेन इज इक्वल टू थर्टी। अच्छा जी, फिर एक गैप आए छोटा सा, उसके बाद फिर आए इधर फोर की टेबल, फोर इंटू वन इज इक्वल टू फोर, फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट, फिर यहाँ पे फाइव की टेबल, है ना। तो ये आप चेक कर सकते हो कैसे बनेगा प्रोग्राम। यहाँ पे सिक्स की टेबल, सिक्स इंटू टू इज इक्वल टू ट्वेल्व, डॉट 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 डॉट, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, फिर फोर फोर फाइव सिक्स हो गया, फिर ऐसे ही चलते चलते सेवन की टेबल आएगी, यहाँ पे सेवन की टेबल, यहाँ एट की टेबल, यहाँ पे नाइन की टेबल, और फिर लास्ट में यहाँ पे टेन की टेबल आएगी, ठीक है। तो मैं ऐसे चाहता हूँ, देख पा रहे हो, आराम से देखो भाई, इमेजिन करो अच्छे से। यहाँ पूरे वन की टेबल, यहाँ टू की टेबल, यहाँ थ्री की टेबल, फिर यहाँ पे फोर की, फाइव की, सिक्स की, फिर सेवन की, एट की, नाइन की टेबल, और फिर यहाँ पे टेन की टेबल। बताओ भाई इस तरह के प्रोग्राम को कैसे बनाओगे आप, ठीक है। तो एक बात थोड़ा सा सोचो, आराम से समझो, और मुझे बताओ हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। देखो काम तो बड़ा आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी, नहीं तो भाई कहीं ना कहीं आप फंसोगे, ठीक है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि हम लोग कैसे करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे वन की टेबल चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गैप चाहिए, गैप मतलब आप बैक स्लैश टी से डाल सकते हो, आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको इतना पता होगा, नहीं पता तो मैं आगे समझाऊंगा आपको एस्केप सीक्वेंसेस के टॉपिक में। बैक स्लैश एन क्या करता है भाई, न्यू लाइन ले आता है। बैक स्लैश टी क्या करता है, टी फॉर टैब, मतलब टेन लाइन्स, टेन कॉलम्स का स्पेस आता है। अभी पूरा डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, एस्केप सीक्वेंसेस में बोलूंगा, नहीं तो फिर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। बस रफली समझ लो, बैक स्लैश टी का मतलब होता है ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेस दे रहे हैं ना हम लोग, ये बैक स्लैश टी की हेल्प से दे रहे हैं, बस इतना आप समझ लो, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ कैसे करोगे। देखो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, उसके बाद फिर यहाँ पे टू इंटू वन इज इक्वल टू टू चाहिए, फिर गैप के बाद फिर थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री चाहिए। तो एक बात पहले ये समझ लो, अगर आपने इतने ऐसे रखा ना भाई, तो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, फिर वन इंटू टू इज इक्वल टू टू, ऐसे पूरी वन की टेबल प्रिंट हो गई। तो जब यहाँ पे पूरी वन की टेबल प्रिंट होगी, तो फिर आप ऊपर चढ़ के यहाँ पे टू की टेबल नहीं दे सकते, और फिर पूरी टू की टेबल प्रिंट करो, फिर नीचे आ चुके, फिर नीचे आकर के ऊपर चढ़ जाओ। ये ऐसे भाई कर्सर हम ऐसे नहीं घुमा सकते, ऑफ कोर्स घुमा सकते हैं, ग्राफिक्स की हेल्प से घुमा सकते हैं, पर इतना हम क्यों घुसने फालतू में। मैं क्या करूंगा देखो, मैं सीधे सीधे साइमल्टेनियसली प्रिंट कराऊंगा, मतलब पहले प्रिंट कराऊंगा वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, फिर साथ साथ प्रिंट कराऊंगा टू इंटू वन इज इक्वल टू टू, फिर साथ साथ कराऊंगा थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री, इस तरह से टेबल चलाऊंगा, ठीक है। तो अब आप जरा मुझे समझाओ हम कैसे करें, बहुत सिंपल काम है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, यही दिखा दूँ या चलो नीचे करके दिखाता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे फालतू, बट थोड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो गया ना हम क्या करना चाह रहे हैं। चलो मैं आपको अब दिखाता हूँ, देखो भाई मैं ऐसे चलाऊंगा, फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू टेन, आई प्लस प्लस, वन टू टेन की टेबल थी। धीरे धीरे मैं चेंजेस करूंगा, पहले सुन लेना, उसके बाद आप अपने हिसाब से चेंजेस करना, पहले आराम से सुन लो, फिर मैं धीरे धीरे चेंजेस करूंगा, साथ साथ नोट मत करना, ठीक है। फॉर जे इज इक्वल टू वन, ठीक है, या एन ले लेते हैं इसको, है ना, हमने ऊपर एन लिया था, आपको फिर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। फॉर एन इज इक्वल टू वन, एन इज लेस देन इक्वल टू टेन, और एन प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने आई ले रखा था, आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू टेन, आई प्लस प्लस। अब देखो मैं ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ये पहले वाला वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, फिर क्या दबाना है बैक स्लैश टी ताकि स्पेस आ जाए, फिर दोबारा से लिख दो परसेंटेज डी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर बैक स्लैश टी कर दो, फिर दोबारा से लिखो परसेंटेज डी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर आप लगाओगे बैक स्लैश एन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये पहले वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, फिर इधर से टू इंटू वन इज इक्वल टू टू, फिर इधर थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री, फिर बैक स्लैश एन क्यों दे रहे, ताकि नेक्स्ट लाइन में फिर यहाँ करके हर दोबारा से लिख सकें, वन इंटू टू इज इक्वल टू टू, फिर टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर, थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स, एंड सो। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे समझाओ लिखना क्या क्या है ना। तो पहला परसेंटेज डी क्या है भाई, एन है ना, तो लिखो आप एन आई और एन स्टार आई, है ना, फटाफट लिखते चले जाते हैं, ठीक है, एन आई एन स्टार आई। अगला क्या है जी, एन प्लस वन, क्योंकि अब टू हो चुका है ना, फिर अगला क्या है जी, वही आई का आई, और फिर अगला क्या है जी, एन प्लस वन स्टार आई,
आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आगे क्या चाहिए भाई? फिर आपको चाहिए एन प्लस टू, है ना, क्योंकि थ्री था ना, पहले वन की थी, फिर टू की थी, फिर थ्री की थी, थ्री मतलब वन प्लस टू हुआ ना, तो इसलिए फिर एन एन प्लस टू, फिर आई, फिर एन प्लस टू स्टार आई। ठीक है जी, ये काम आपने किया है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ढंग से दिख जाए, है ना, एक स्क्रीन पे आ जाए। तो ये सब हमने काम किया है, आई थिंक हो गया होगा क्लियर सब लोगों को हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी टेबल प्रिंट होती चली जाएगी। अब दिक्कत क्या आएगी, थोड़ा सा ध्यान से सोचो आप लोग। ये देखो, आपने यहाँ पे वन की टेबल, टू की टेबल, थ्री की टेबल फर्स्ट क्लास प्रिंट करा ली ना, अब दिक्कत क्या आएगी, एन इज इक्वल टू टू होगा, तो फिर जब आप दोबारा आओगे तो यहाँ पे फिर टू की टेबल आएगी, फिर थ्री की टेबल आएगी, फिर फोर की टेबल आएगी, ये दिक्कत होगी। समझ पा रहे हो, वन टू थ्री की तो ठीक है, उसमें फिर यहाँ पे फोर की टेबल चाहिए, लेकिन आप टू की टेबल आओगे। क्यों टू की टेबल आओगे? क्योंकि देखो, जब आप ये आई वाली लूप पूरी चला लोगे तो फिर एन प्लस प्लस होगा, तो एन की वैल्यू टू होगी, और एन की वैल्यू टू होगी तो फिर यहाँ पे आप टू की टेबल प्रिंट करने की कोशिश करोगे। थोड़ा सा सोचोगे तो आपने समझ में आएगा, मैं जितना मर्जी बोलू टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, इट्स जस्ट अबाउट इमेजिनेशन। थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा मैं हार्ड कोर प्रोग्रामिंग में जा रहा हूँ ताकि चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके और पैटर्न वाले क्वेश्चन में हमारे को आसानी हो सके, जो मेरे को नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप कराना है। चलो ठीक है जी, करो नोट डाउन इसको फटाफट। तो आ गया थोड़ा समझ में? अच्छा जी, अब देखो, अब दिक्कत, फिर उस दिक्कत का कैसे सॉल्यूशन करें? सॉल्यूशन बड़ा आसान है भाई, है ना, n n plus 1 n plus 2, इतना आपने काम करके कर लिया था। अब यहाँ पे आपको 4 की टेबल चाहिए, मतलब 1 के बाद 4 चाहिए, तो मतलब 3 का इंक्रीमेंट करो ना भाई। तो यहाँ पे हम ये प्लस प्लस करने के बजाय, मतलब 1 का इंक्रीमेंट करने के बजाय 3 का इंक्रीमेंट करेंगे, ताकि n इज इक्वल टू 1 से जब आपने शुरू किया था, उसके बाद फिर सीधा n इज इक्वल टू 4 पे जंप हो जाओ आप लोग। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, 3 का इंक्रीमेंट करूंगा, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा n प्लस इज इक्वल टू 3, मतलब सीधा 3 का इंक्रीमेंट। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, नीचे 4 की टेबल आएगी, 4 की आएगी तो सीधा सीधा 5 की भी आएगी। क्यों? क्योंकि पहले आप n कराते हो, फिर n प्लस 1, फिर n प्लस 2 कराते हो, है ना, तो फिर 4 5 6 की आ जाएगी, उसके बाद फिर 7 8 9 की आ जाएगी। बट अब देखो दिक्कत क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 10 आपने कर रखा था, तो मतलब 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 होगा, तो मतलब 10 की टेबल आएगी, फिर इधर 11 की, इधर 12 की। मेरे को सिर्फ 10 तक की चाहिए थी, मेरे को 11 12 की टेबल नहीं चाहिए थी, तो ये तो दिक्कत हो गई। तो इस दिक्कत का सोल्यूशन बड़ा आसान है भाई, आप क्या करोगे, सॉरी आप क्या करोगे, लेस देन 10 कर दो। ठीक है जी, तो एक पहले 1 के लिए चला, 1 के बाद फिर 4 के लिए चलेगा, फिर 9 के लिए चलेगा, है ना, सॉरी 7 के लिए चलेगा, सॉरी फॉर दैट। पहले 1 के लिए n इज इक्वल टू 1 हुआ, वो चल गया, फिर 3 बढ़ाया आपने, 4 के लिए चल गया, मतलब 4 के चल तो 4 5 6 आ गया, 4 5 6 आ गया, उसके बाद फिर 3 का और इंक्रीमेंट हुआ, 4 के बाद 3 का इंक्रीमेंट होता 7, तो 7 8 9 चल गया। अब जैसे ही ये फिर 3 का इंक्रीमेंट करोगे, 7 के बाद 10 होएगा, समझ पा रहे हो ना, 7 था n, तो 7 के बाद 3 इंक्रीमेंट करोगे तो 10 होएगा, और 10 के लिए हम लोग नहीं चलाएंगे, क्योंकि 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी 10 इज नॉट लेस देन 10, इसलिए नहीं चलने वाला। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना, तो हम फिर 10 की टेबल आप अलग से प्रिंट करा लो, और क्या गया उठा, ठीक है, तो 10 11 12 इकट्ठी आ रही थी, तो वो ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लूप से बाहर आकर के 10 के टेबल अलग से चला सकते हो। और लॉजिक बहुत अलग अलग तरीके के हैं भाई, नहीं तो आप यहाँ पे एक अंदर यहीं पे भी एक इफ स्टेटमेंट डाल सकते थे कि इफ एन इज नॉट इक्वल टू 10 तो ये चले, और नहीं तो फिर हम लोग एल्स में फिर सीधा 10 की टेबल प्रिंट करा लेते हैं। वो आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप चेक कर सकते हो, ठीक है, इफ इफ लगा करके भी आप काम कर सकते थे, बट वही बात है भाई, वो कोई चीज फ्री में नहीं आती ना, मतलब इन द सेंस आप इफ लगाओगे तो जबरदस्ती का एक कंपैरिजन फालतू हो गया, तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, इतने जबरदस्ती के फालतू के कंपैरिजन आप करवा रहे हो, तो जितना हो सके अवॉइड करो कंपैरिजन को। तो इसलिए बेटर है कि आप फ्रीली इस लूप को चलाओ और 10 की टेबल एक्स्ट्रा प्रिंट करा लो। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो भी, मैं ज्यादा बोलूंगा टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं डीप में जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका लेवल होना चाहिए, आप मेरे लेवल तक मैच कर सको। फिलहाल मैं अगर यहाँ चल रहा हूँ तो प्लीज थोड़ा सा आप कोशिश करो मेरे यहाँ तक पहुंचने की, नहीं तो भाई बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, मैं सी लैंग्वेज में फंसा रहूंगा, 2 3 महीने ऐसे में खराब कर दूंगा, तो मैं नहीं चाहता ऐसे करना। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा आप मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करो, दिक्कत लग रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा दोबारा सुनो, आपको अपने से चीजें समझ में आ जाएंगी, मैं बार बार बोलूंगा तो टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलो ठीक है, ओके जी। अच्छा एक बात ये भी समझ लो, है ना, एक बात यहाँ पे भी समझ लो, जब यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी चाहिए था ना मेरे को, 1 2 3 की टेबल आ गई तो फिर एक गैप भी चाहिए था, तो गैप चाहिए था, तो वो तो आप सिंपल आप जानते ही हो, आप सिंपली क्या लिख देंगे, प्रिंट बैक स्लैश एन। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा, ये जो पूरी लाइन लिखी है ये फोर लूप के स्कोप के अंदर है, इस वाले स्कोप के अंदर भी है ही है ऑब्वियसली, ये लाइन जो है ये इसके स्कोप के अंदर भी है, इसके स्कोप के अंदर भी है। हाँ जी, तो अब जो यहाँ नीचे लाइन में लिखूंगा, अगर मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, तो वो किसके स्कोप के अंदर आएगा भाई, वो बाहर वाली लूप के अंदर आएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं आएगा, है ना, तो फिर हम लोग यहाँ बंद कर देंगे। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, जब एक बार पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी 1 की 2 की 3 की, तो उसके बाद एक गैप आएगा बैक स्लैश एन के कारण, फिर से हमारे पास फिर 4 5 6 की टेबल आएगी एंड सो ऑन।
आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा कॉमन सेंस से खुद भी सोचोगे ना चीजें समझ में आ जाएगी। ये बहुत सिंपल है, यहाँ मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? नहीं तो बहुत वीडियो लंबे होंगे और फायदा नहीं है इन सब चीजों का। चलो ठीक है, जितना होगा ना, आप 10 की टेबल तो आप प्रिंट कराना जानते ही हो, कहो तो मैं करा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, करा देता हूँ नीचे, ठीक है? तो बस ये सब खत्म होगा तो एक बार और लूप चला दो, है ना? तो आप क्या लिखोगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, है ना? और अब आप नीचे अंदर क्या लिखोगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्टार परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैक स्लैश एन कॉमा 10 कॉमा आई कॉमा 10 मल्टीप्लाइड बाय आई, दैट्स इट, ठीक है? चलिए बस ये हमारी 10 की टेबल साथ साथ दे देगी, ठीक है? तो बैक स्लैश एन मैंने साथ साथ ही लगा दी क्योंकि फिर अब बस आखिरी चाहिए ना, 10 into 1 is equal 10, फिर 10 into 2 is equal to 20 and so on। वो तो आप अपने आप से फील भी कर पा रहे होंगे। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम इसके लिए ना, 1 2 3 4 5 6 and so on ऐसे करने के लिए। छोटा कर देता हूँ ताकि आप आराम से चीजों को नोट डाउन कर सको। लो जी ये एक स्क्रीन पे आ गया, अब आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा सोचोगे चीजें आपको अपने आप से समझ में आएंगी। यहाँ पे n की टेबल प्रिंट होगी, फिर यहाँ पे n+1 की होगी और यहाँ पे n+2 की होगी। तो मतलब यहाँ पे 1 की, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 3 की, उसको फिर नीचे 4 की टेबल चाहिए थी, है ना? तो अब प्लीज ये चीज ध्यान रखनी है, बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है। n+2 करने से n में थोड़ी कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है, n तो हमारा n ही है, सिर्फ उसमें आपने +1 +2 ऐसे करके काम किया था। तो जब यहाँ पे आपने लिखा ना n+=3, तब आप जा करके n में 3 का इंक्रीमेंट होगा। तो 1 2 3 की टेबल आ चुकी थी तो नीचे 4 की चाहिए थी, तो फिर वही बात है, 4 की 5 की 6 की एंड सो, इस हिसाब से चलेगा। ठीक, समझ चुके हो गए? मैंने फिर भी बार बार रिपीट कर दिया, आप नोट डाउन कर लेना भाई इसको, ठीक है? चलिए ठीक है जी, ओके जी, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा टेबल का प्रोग्राम, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा 1 to 10 की टेबल हम कैसे प्रिंट करा रहे हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ जी, अब ये देखो, ये एक बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल प्रोग्राम है नेस्टेड लूप्स का। आप मेरे को जरा बताओ इसका क्या आउटपुट होएगा। दिखने में लगेगा कि सर ये तो सिंटैक्स है, डू व्हाइल ये सब क्या लिख दिया एंड सो ऑन, बट एक्चुअली ये नेस्टेड लूप्स है, ठीक है? दीज आर नेस्टेड लूप्स। तो कैसे है, थोड़ा सा मैं आपको चेंज करूंगा ना प्रोग्राम, आपको अपने आप से समझ में आएगा। ये ऐसे आपने कर रखा है ना भाई, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डू को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है? और लिख देता हूँ डू को ऊपर, और अब यहाँ पे एक ब्रैकेट शुरू करता हूँ और यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद करता हूँ। अब देखो भाई ये जो है डू, अच्छा यहाँ पे तो बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ करे पड़ेगी जरूरत, तो कहाँ बंद करना पड़ेगा, यहीं पे ही बंद करना पड़ेगा इसको, है ना? हाँ तो चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चीजें समझ में आ जाएगी और कुछ नहीं। हाँ अब जरा ध्यान से लगा, ध्यान से देखो, ये डू डू वाइल लूप के अंदर एक वाइल लूप फंसी हुई है, ये समझ पा रही है? देखो मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ, ठीक है जी? तो ये है जी हमारी वाइल लूप, ये यहाँ तक ऐसे देखो, ये जो पूरी एक वाइल लूप है, ये वाइल लूप हमारी डू वाइल लूप के अंदर है। आई थिंक अब आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा, दिस इज योर वाइल लूप ना, ये करली ब्रैकेट शुरू करली ब्रैकेट बंद, तो ये हमारी एक पूरी वाइल लूप है। ये वाइल लूप डू वाइल लूप के स्कोप के अंदर बैठी है, ठीक है? थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से करना है ना। तो लो भाई मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उठा करके करता हूँ नीचे, ठीक है? और अब करता हूँ ब्रैकेट बंद यहाँ पे, ठीक है? ये यहाँ कर लो, उससे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? हाँ, और ये जो वाइल वाली ब्रैकेट थी इसको भी मैं यहां से हटाता हूँ और यहाँ लगाता हूँ, ठीक है? अब आपको ढंग से समझ में आ जाएगा और ब्यूटीफुल तरीके से। तो लो भाई ये है हमारी पूरी एक वाइल लूप, और ये वाइल लूप किसके अंदर डली हुई है जी, डू वाइल लूप के अंदर, ठीक है? समझ में आ गया? अब आप जरा मुझे समझाओ ये ब्रैकेट्स वगैरह मैंने क्यों नहीं लगा रखी थी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एक कंट्रोल सिस्टम का स्कोप एक लाइन का होता है, तो डू के अंदर हमने सीधा वाइल डाल ही दिया था, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो उसके अंदर आ रखी है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, ठीक है जी? तो थोड़ा सा और डिटेल में समझाओ, तो देखो मैं ऐसे कहूंगा डू, और फिर ये हमारी बॉडी होती थी, और यहाँ पे हमारे पास वाइल एक्सप्रेशन ऐसा हुआ करता था, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? अब मैंने क्या किया है, और हर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर का स्कोप एक लाइन का होता है, तो मैंने क्या किया, इस डू को थोड़ा सा और ऊपर ऊपर घसीट दिया, ठीक है? ये या रादर यही यही रहने दिया, और साथ साथ मैंने ऐसे वाइल लिख करके एक्सप्रेशन लिख दिया था, ऐसे काम किया था ना। तो अब ऐसे समझो डू का स्कोप एक लाइन का, मतलब वही बात है, डू वाइल लूप थी तो बाय डिफॉल्ट स्कोप उसका एक लाइन करेगा, एवरी कंट्रोल स्ट्रक्चर का स्कोप एक लाइन का होता है, ये रही उसकी एक लाइन, मतलब ये रहा वाइल लूप, है ना? अब इस वाइल लूप का स्कोप ये पूरा का पूरी बॉडी है, समझ पा रहे हो? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा, डू वाइल लूप के अंदर हमने वाइल लूप को अंदर फिट किया हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट योर नेस्टेड लूप्स ओनली, ठीक
और ज्यादा बोलने का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं, ज्यादा फिर आप कंफ्यूज हो गए और कुछ नहीं, मैं इतना ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। चलो भाई अब आप जरा मुझे समझाओ प्रोग्राम का आउटपुट कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल है भाई, अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो फिर लगभग लगभग प्रोग्राम आपका वैसे कंप्लीट हो चुका है। बताओ भाई कैसे काम करोगे। आपने एक्स की वैल्यू 5 ली, तो आपने क्या करा, एक्स की वैल्यू 5 लेकर के डू आपने शुरू करा। हाँ जी, व्हाइल 5 इज डू, जैसे आपने लिखा तो मतलब एक किस्म से हम डू व्हाइल लूप के अंदर आ चुके हैं। अब डू व्हाइल लूप के अंदर क्या बैठी है, व्हाइल लूप बैठी। मैंने अभी आपको क्या समझाया था, जब जब लूप के ऊपर कंट्रोल आ जाता है जब तक वो पूरा चलेगा नहीं तब तक बाहर नहीं निकल सकते। ये देखो भाई मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी समझाया था ये चीज, है ना। ये देखो, कंट्रोल विल नॉट कम आउट ऑफ लूप टिल इट इज कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड। जब तक वो पूरा चलेगा नहीं तब तक कंट्रोल लूप से बाहर नहीं आने वाला। तो मतलब 5 था, डू डू था, है ना, तो मतलब डू व्हाइल लूप के अंदर था ये, और ये पूरा व्हाइल लूप था। तो अब ये पूरे चलेगी, जब तक ये पूरी चलेगी नहीं ना तब तक आपका कंट्रोल यहाँ पे बाहर लूप के बाहर नहीं आने वाला। तो 5 था, 5 इज लेस देन इक्वल टू 7 व्हिच इज ट्रू, तो आपने स्क्रीन पे एबीसी प्रिंट करवा लिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने एक्स प्लस प्लस किया तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, अब 6 हो गई, 5 थी ना तो अब 6 हो गई। फिर आप ऊपर चले लूप के, 6 इज लेस देन इक्वल टू 7 यस व्हिच इज ट्रू, तो अगेन एबीसी प्रिंट होगा। देखो बैक स्लैश एन नहीं है तो मैंने साथ साथ लिख लिया है, और स्पेस भी नहीं है। देखो यहाँ पे अगर इन्वर्टेड कॉमास थे तो बीच में अगर मैंने स्पेस दबाया था तो एबीसी और एबीसी के बीच में स्पेस आता, वो भी नहीं आना। जैसे काम है बिल्कुल वैसा लिख दो। ये सारी चीजें मैं बेसिक बेसिक पॉइंट से रिपीट करता रहता हूँ ताकि जब मैं पैटर्न वाले क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आपको टेंशन आए बिल्कुल भी। ठीक है जी, तो एबीसी एबीसी साथ साथ आ गया। अच्छा जी, फिर आपने एक्स प्लस प्लस किया तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 7 होगी। तो आपने बोला 7 इज लेस देन इक्वल टू 7 व्हिच इज ट्रू, तो आप अंदर आकर के फिर दोबारा से एक बार एबीसी और प्रिंट कराओगे। ठीक है जी, तो 3 बार एबीसी प्रिंट होगा। अब एक्स की वैल्यू प्लस प्लस की आपने 8 होगी, तो 8 इज लेस देन इक्वल टू 7 व्हिच इज फॉल्स। फॉल्स है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, लूप के बाद जो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वहां पे कंट्रोल आएगा। मतलब सिंपल बात करो तो कंट्रोल लूप से बाहर आ गया, बाहर आ गया तो मतलब यहाँ है, यहाँ पे कुछ था नहीं, तो सीधी सी बात है। ठीक है जी, तो अब मतलब एक किस्म से हम क्या बोलेंगे जी, डू व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई है। इतने बस को समझ में आ रहा है, एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी है डू व्हाइल लूप की बॉडी, और वो बॉडी क्या थी, एक लूप ही थी पूरी, समझ पा रहे। ये डू व्हाइल लूप था, तो ये है जी बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप, बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप। तो आपने इस बॉडी को, बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप को आपने एक बार चलाया, मैं ऐसे बोलूंगा। एक बार चलाने का मतलब ये व्हाइल लूप पूरा चल जाएगी, नो डाउट अंदर 3-3 बार चली गई स्टेटमेंट, 4-4 बार चले, चाहे हजार हजार बार चली, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात क्या है कि डू व्हाइल लूप की बॉडी को मैं ऐसे बोलूंगा एक बार मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। तो मतलब वही बात है, फिर कंट्रोल यहाँ आएगा चेकिंग के लिए। हाँ जी, तो आप क्या बोलोगे, 8 हो चुका था ना एक्स की वैल्यू, तो बोलोगे 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 व्हिच इज ट्रू, 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 व्हिच इज ट्रू। तो ये क्या बोलेगी, डू व्हाइल लूप बोलेगी दोबारा से मेरी जाके बॉडी चलाओ, क्योंकि मैं, मेरी स्टेटमेंट तो अभी ट्रू है, तो आप गए ऊपर अपनी इस बॉडी को दोबारा से चलाने के लिए। तो बॉडी में क्या निकली, बाय चांस व्हाइल लूप निकली। तो ये क्या बोलेगा जी, 8 इज लेस देन इक्वल टू 7 व्हिच इज फॉल्स। तो व्हाइल लूप बोलेगी जी बस मेरा काम खत्म है। तो एक किस्म से बोलेंगे कि हमारी डू व्हाइल लूप की बॉडी अभी एक बार चल चुकी है, तो फिर हम नीचे आकर के चेक करेंगे 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 व्हिच इज ट्रू, तो फिर आप ऊपर चढ़ जाओगे। आप बोलोगे कि 8 इज लेस देन इक्वल टू 7 व्हिच इज फॉल्स, तो फॉल्स है तो सीधा इधर आओगे, फिर 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 व्हिच इज ट्रू, तो फिर आप ऊपर चढ़ोगे 8 इज लेस देन इक्वल टू 7 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ऐसे ऐसे आप इन्हीं में चक्कर लगाते रहोगे, इन दोनों स्टेटमेंट्स में घूमते रहोगे, तो मतलब एक इनफाइनाइट लूप तैयार हो जाएगी आपकी। तो आउटपुट क्या है भाई, एबीसी 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 3 बार प्रिंट होगा और उसके बाद इनफाइनाइट लूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सर मैं आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट होगा कि नहीं। यस डेफिनेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इनफाइनाइट लूप। क्यों इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज बार बार बता रहा हूँ भाई, वीडियो को रिवाइंड करो, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत स्लो कराऊँ काम कराऊँ, तो डायग्राम बनाऊँ एक्स की वैल्यू दिखाऊँ आपको। ऐसे देखो मैं ऐसे चलाता, एक्स की वैल्यू लेता, फिर 5 है, फिर 5 को आपने 6 करा, फिर 7 करा, फिर 8 करा, एंड जोन, ऐसे फिर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता। इतना ज्यादा मैं बेसिस में नहीं घुसना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं नहीं आती हैं, तो प्लीज जो मैंने बातें बोली हैं उसको रिवाइंड करके बार बार सुनो, आपको सारा कुछ अपने आप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर वही बात है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, चले ठीक है जी, फिर भी डाउट है तो बार बार सुनो, और कोई इलाज नहीं है इस चीज का। और जो मैं बात बोल रहा हूँ बेशक से आप फिगर बना लो, साथ साथ आप नोट कर लो, आई थिंक क्लियर होगा अगर सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ऊपर नीचे ऐसे चलता रहेगा, और ये बात समझ में आई है ऊपर नीचे वाली, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ तो फिर वही बात, वीडियो को रिवाइंड करके देखो और अपने आप से सोचोगे तो चीजें आपको अपने आप से समझ में आएंगे। ठीक है जी, तो 8 था एक्स की वैल्यू, फाइनली 8 था, तो 8 इज लेस देन इक्वल टू 7 व्हिच इज फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब आप व्हाइल लूप से बाहर आ जाओ, बाहर आए तो फिर यहाँ पे वही बात है, फिर दोबारा से व्हाइल लूप बैठी थी, तो आपने चेक करा, मतलब बॉडी ऑफ द डू व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस, बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो फिर वही बात है, आप कंडीशन चेक करने के लिए आओगे। कंडीशन आपने चेक करी, 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 व्हिच इज ट्रू, ट्रू है, तो फिर आप दोबारा ऊपर चढ़ गए बॉडी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और बॉडी में क्या निकली, एक व्हाइल लूप निकली, तो उसने एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करी, तो वो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होने, तो हम सीधा लूप से बाहर आएंगे, मतलब व्हाइल लूप से बाहर आएंगे, तो मतलब ऐसे बोल देंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बॉडी उसकी एक बार चल चुकी है, और बॉडी एक बार चल चुकी है, तो फिर आप दोबारा के चेक करोगे 8 इज लेस देन इक्वल टू 10 व्हिच इज ट्रू, फिर ऊपर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, ऐसे चक्कर हम चलाते जाएंगे इनफिनिट।
आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलो अभी करो नोट डाउन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले नोट डाउन, चलिए जी आप देखो उसके बाद क्या है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर एंड फाइंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स। आई थिंक ये प्रोग्राम थोड़ा सा रह गया था, एक मेरे को वाइल लूप में करा देना चाहिए था, शायद ये रह गया था, तो इसलिए मैं इसको इस वीडियो में कवर अप करा रहा हूँ। नेस्टेड लूप का यहाँ पे आई थिंक कोई खास कंसेप्ट यूज नहीं होगा, नेस्टेड लूप का एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, हमारे को बस सिंपल एक प्रोग्राम बना करके दिखाना है, इनपुट करना है एन इंटीजर सम ऑफ इट डिजिट। आपको याद आ रहा होगा जब मैंने बिल्कुल सी लैंग्वेज स्टार्ट की थी तो पहला प्रोग्राम आपको बनवाया था, तो वहाँ उसी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि 4 डिजिट का नंबर आप इनपुट कराओगे और उसकी डिजिट का सम करोगे। अब मैं चाहता हूँ कितने भी डिजिट का नंबर आप डाल दो उसकी सम ऑफ डिजिट में चाहता हूँ, तो आप कैसे करोगे? देखो अभी बहुत सिंपल काम है, आप कर क्या रहे थे, आपको ये समझ में आ रहा था? देखो जैसे देखो 1 2 3 4 एक नंबर था, याद है ना आपको, मैंने ये 4 डिजिट का नंबर लिया था, तो पहले आपने 4 अलग किया था, तो 4 कैसे अलग किया था? आपने बोला था जी डी, जैसे D1 इज इक्वल टू n%10, पहली डिजिट अलग हो गई थी। फिर आपने बोला था n इज इक्वल टू n/10, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने क्या किया था, D2 लिया था, D2 इज इक्वल टू n%10 एंड सो ऑन। तो बार बार n%10 n/10 n%10 n/10 बार बार ये कर रहे हैं ना हम लोग, है ना। और जो डिजिट्स हैं ये D1 D2 D3 एंड सो ऑन, इनमें डिजिट्स हमारे पास आते चले जा रही थी, तो ये अलग अलग क्यों लेते हो आप, एक ही वेरिएबल ले लो ना। और ये जो वेरिएबल ले रहे हो, जैसे इसमें सबसे पहले आपके पास क्या आया जी, 4 आया है, फिर दोबारा से आप इमेजिन करो ये लूप में चल रहा है, फिर दोबारा से आप करोगे तो फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा। आप इन सबको ऐड करना चाहते हो, ऐड करने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है क्या होता था जी, एस इज इक्वल टू s+i, ऐसे लिखा करते थे, याद है ना आपको, जब हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना चाहते थे तो 4i इज इक्वल टू 1i लेस देन i प्लस प्लस, और एस इज इक्वल टू s+i करके दिखाया था, प्रॉपर प्रूफ भी करके दिखाया था। तो बस वही चीज है, तो यहाँ पे सम कर लेना, ये जो डिजिट्स नई नई आते चले जा रही है इन सब डिजिट का सम करना है, तो i की बजाय आप क्या लिख दोगे, D1। और वही बात है, ये 1 1 क्यों लिखाते, खाली d लिखो ना डिजिट, ठीक है, तो +d कर देना, ठीक है, तो s इज इक्वल टू s+d करते चले जाना, बस यही स्टेप्स बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। अच्छा कब तक रिपीट होते चले जाएंगे, देखो सीधी सी बात है, पहले आपने जब 1 आ जाएगा फर्स्ट डिजिट, मतलब ये लास्ट डिजिट अलग हो चुकी है, तो फिर आप जब n इज इक्वल टू n/10 करोगे तो 0 आएगा। बात समझ पा रहे हो, देखो आराम से समझो, पहले 4 अलग करा, फिर n की वैल्यू क्या बन चुकी थी, 123। मैं एक बार लिख करके दिखाऊं, देखो पहले n की वैल्यू थी जी 1 2 3 4, ठीक है, हमने ये स्टोर करके रखी हुई थी एन की वैल्यू। फिर आपने एन इज इक्वल टू n/10 करा तो यहाँ पे स्टोर हो गया जी 123। फिर आपने बोला 3 अलग हो गया क्योंकि n%10 करा था, तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा से n/10 करा तो 12 आ गया। फिर आपने 12 mod 10 करा तो कितना आंसर आया जी, 2 आंसर आया, है ना, तो डिजिट में 2 आ गया। और आपने फिर वही बात है 12 by 10 करा तो क्या आया जी, 1 आया। फिर आपने s इज इक्वल टू s+d करने का मतलब सारी ऐड होती चली जा रही है, समझ पा रहे? देखो पहले 4 अलग हुआ था ना, s की वैल्यू आपने 0 ले रखी थी सपोज कर लो, ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको चला करके, s की वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो जब आपने d की वैल्यू 4 करी थी तो s की वैल्यू क्या हो गई जी, 4 हो गई। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने s इज इक्वल टू s+d करा तो मतलब 4 हो गई। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे बीच में एक बार n इज इक्वल टू n/10, देखो आराम आराम से समझो, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर वही बात है टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट 2 मिनट पेशेंस रखो अभी समझ में आ जाएगा। वैसे तो आई थिंक आप समझ भी गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ रिपीट। देखो d इज इक्वल टू n%10 करा, 1 2 3 4 था हमारे पास n, तो n तो एक किस्म से d के अंदर क्या आ गया जी, 4 आ गया, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ d के अंदर आ गया जी 4। अच्छा जी, ऐसे चलाना होता है प्रोग्राम, जब भी कोई प्रोग्राम है तो फिगर बना लो, फटाफट काम जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार इन सब चीजों को हटाता हूँ और एक बार आपको ढंग से चला करके दिखाता हूँ। एन की वैल्यू इनिशियली हमने 1 2 3 4 ले रखी थी, डिजिट हमारे पास इनिशियली कुछ थी नहीं, गार्बेज थी, है ना। जब आपने पहली बार लूप को चलाया होगा तो n%10 करा तो मतलब 1 2 3 4% मतलब डी की वैल्यू 4 आ गई। एन इज इक्वल टू n/10 करा तो 1 2 3 4 की बजाय इसने 1 2 3 कर लिया। उसके बाद एस इज इक्वल टू s+d करा तो 0 था पहले, एस की वैल्यू 0 थी, तो 0 + 4 डेट इज 4, ये 4 हो गया। उसको फिर आप गए दोबारा से n%10 करा तो फिर क्या आया जी, d की वैल्यू आ गई जी 3, क्योंकि 123 mod 10 करोगे तो 3 आ जाएगा, आखिरी डिजिट अलग हो जाएगी। n इज इक्वल टू n/10 करा तो ये क्या हो गया जी, 12 हो गया। s इज इक्वल टू s+d करा तो 4 पहले था, 4 पहले से था, 3 ऐड करा तो 4 + 3 7 हो गया, ठीक है जी। फिर आप ऊपर चले, d इज इक्वल टू n mod 10 करा तो फिर कितना है जी, 12 था ना ये हमारे पास, 12 mod 10 करा तो आंसर कितना आ गया जी, 2 आ गया। फिर आपने क्या करा, n इज इक्वल टू n/10 करा तो मतलब 1 आ गया। और फिर क्या किया आपने, 7 7 ऑलरेडी था हमारे पास s, और +2 कर लियो तो मतलब कितना हो गया जी, 9 हो गया। उसकी ये अगर नहीं समझा मैं कैसे करूं तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करें, देखो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है जी। फिर आपने क्या बोला जी, d इज इक्वल टू n%10 तो 1 था ना n,
एन वन था तो वन मोड टेन मतलब क्या हो गया जी, वन हो गया। डी की वैल्यू क्या आ गया जी, वन। एन इज इक्वल टू एन बाय टेन करा तो वन बाय टेन करा तो क्या आ गया जी, जीरो आ गया। फिर एस इज इक्वल टू एस प्लस डी करा तो नाइन प्लस वन करा तो क्या आ गया जी, टेन आ गया, है ना। एस की वैल्यू आ गई जी हमारे पास टेन। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप ऊपर चढ़े गए, फिर अब आप दोबारा क्यों करते हो, जीरो मोड टेन तो जीरो आएगा आंसर। ये सब क्यों फालतू टाइम पास करना है, आप सिंपली क्या बोलोगे, जैसे ही एन जीरो हो जाएगा हम लूप से बाहर आ जाएंगे, बस हमारा काम वही खत्म। तो बस अब मैं इसी लॉजिक को आपको लिख करके दिखा देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो भाई। हाँ जी, तो बस अब अगर आपको ये समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर हो गया, तो लिखना तो एक झटके की बात है। हम सीधा क्या लिखेंगे जी, देखो, वाइल एन मॉड टेन, या रादर वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम सिंपली क्या बोलेंगे, डी इज इक्वल टू एन मॉड टेन, एन इज इक्वल टू एन बाय टेन और एस इज इक्वल टू एस प्लस डी। बस ये स्टेटमेंट चलाते रहेंगे, हमारा काम खत्म। बस ये दो तीन लाइन का छोटा सा प्रोग्राम था। आप जितने भी डिजिट का आप नंबर इनपुट कराओगे उसका सम निकाल करके आपको दे देगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको अपने आप से चेक करना है कि ये जितने भी आप डिजिट डालते हो उसका सम कैसे निकाल रहे हैं, एंड सो। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। और ये एस की वैल्यू सब मैंने नहीं लिखी है, ये सब आप अपने आप जानते हो। इंटीजर ले लेना, एस को जीरो से इनिशियलाइज करा देना, एंड जो भी होगा आप डाल लेंगे हम कीबोर्ड से। डी को भी हम ऐसे छोड़ देंगे गार्बेज, क्योंकि डी इज इक्वल टू एन मोड टेन, ये अपने आप इनिशियलाइज हो ही रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ जी ठीक है जी, तो ये सब हो गया। और फिर आप स्कैन एफ करवा लेंगे और एन की वैल्यू कीबोर्ड से डाल लेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू आप कीबोर्ड से डाल लेंगे और वही बात है, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। कर लो भी फटाफट नोट डाउन। ओके, एक स्क्रीन पे आ गया, नोट डाउन कर लेना। हाँ वही बात है भाई, इंटीजर था तो अगर आपने 6-7 डिजिट का डाल दिया, जैसे 2 बाइट का इंटीजर है तो 3 to 7, 6, 7 से ऊपर तो जाएगा नहीं, फिर तो गार्बेज आंसर आ जाएंगे। तो लॉन्ग इंट आप लेके चल सकते हो, तो 8-10 डिजिट का भी डालोगे तो भी सब निकाल देगा एंड सॉ। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए ठीक है जी, और वही बात है, हम 2-2 बाइट का इंटीजर लेके चल रहे हैं, बट अलग अलग कंपाइलर के अलग अलग बातें हैं, तो इसलिए फिर मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। 4 बाइट का इंटीजर होगा तो बहुत बड़ा नंबर है, 2 पावर, याद है ना आपको, 4 बाइट का अगर आप इंटीजर लेके चलते हो तो उसकी रेंज कितनी आएगी जी, 4 बाइट मतलब 32 बिट, तो 2 पावर 32 -1, तो 2 पावर 32 -1 -1। ये वाला -1 क्यों होता था, क्योंकि हम जीरो को इंक्लूड करके रखा करते थे, मतलब पॉजिटिव साइड जीरो आएगी, नेगेटिव साइड नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने -1 नहीं किया। ये वाला क्यों किया था, क्योंकि साइन बिट थी हमारे पास, है ना। तो 2 पावर 31 के अराउंड नंबर है, 2 पावर 31 बहुत बड़ा नंबर होता, तो उसको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए ठीक है, तो बेसिक बेसिक से पॉइंट्स आप जानते हो, चलो कर लेना इसको नोट डाउन। ठीक है जी, तो सम ऑफ डिजिट्स हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा। ठीक है, तो इतना याद रखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मेरा भी अभी माइंड थोड़ा सा सेट नहीं है प्रॉपरली, तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि ठीक ठाक तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकूँ। आई होप आज का लेक्चर आपको ठीक लगा होगा, तो धीरे धीरे मैं जैसे थोड़ा माइंड मेरा सेट होगा तो मैं चीज़ें आपकी कवर अप कराऊंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, ओके चलो ठीक है। अच्छा, एक एक पॉइंट बस मेरे मन में आ रहा है, पता नहीं क्यों मेरे नाना करते करते मैं सोच रहा था नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर वही बात है आ रहा है मन में, तो मैं बोल देता हूँ, है ना, आ रहा है मन में, तो रादर वही बात है, मेरे पास स्लाइड्स हैं तो मैं स्लाइड्स का फायदा उठाता हूँ, है ना। देखो भाई, स्लाइड मैंने निकाल ली है, अब आप जरा मुझे समझाओ, ये मैंने आपको बताया था ना 4 डिजिट नंबर इनपुट करना है और सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, ये हमने प्रोग्राम बनाया था। तो अब आपके लिए देखो, थोड़ा सा सोचोगे ना आपको अपने आप से समझ में आएगा, रादर मैं आपको लिए होमवर्क में भी दे सकता हूँ, आप अपने आप कोशिश करना इस बात को समझने की। अगर सपोज करो मैंने 1 2 3 4 डाला था तो इसने 4 डिजिट नंबर का सम करके दे दिया था, अगर आपने 1 2 3 डाला, 3 डिजिट का नंबर डाला, तो भी ये आपको सम करके देगा, आप अपने आप चेक करके देख सकते हो। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर भी होगा क्या, देखो D1 x% 10 करोगे तो फिर 1 2 3 अगर आपने डाला था तो D1 में क्या आएगा, 3 आएगा, D2 में क्या आएगा जी, 2 आएगा, और D3 में क्या आएगा जी, 1 आ जाएगा। उसके बाद जब आप x डिवाइड बाय x x इज इक्वल टू x बाय 10 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो मतलब फाइनली x हमारे पास 0 होगा, तो 0 प्लस हम करने की कोशिश करेंगे। तो अब चेक करना भाई, 123 के लिए भी ये चलेगा, मैं आपको चला करके दिखा दूं अगर आपको डाउट है तो। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ओके सो लेट मी डू इट प्रॉपरली। ये देखो 1 2 3 अगर आप लेते हो, तो मैंने 1 2 3 लिया है, तो D1 इज इक्वल टू x मॉड 10 करोगे तो फिर यहां पे क्या आएगा जी, 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर x इज इक्वल टू x बाय 10 किया तो फिर यहाँ पे क्या बन चुका होगा जी, यहाँ पे ये बन चुका होगा जी 12। अच्छा जी, उसके बाद फिर d2 इज इक्वल टू x मॉड 10 किया तो फिर फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद फिर x इज इक्वल टू x बाय 10 करोगे तो फिर आंसर 1 आएगा। फिर आप क्या करोगे, x मॉड 10 करोगे तो फिर आंसर अगेन वही बात, 1 आएगा। और x डिवाइड बाय इज इक्वल टू 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा जी, 0 आएगा।
तो जब आप फाइनली ऐड करोगे x इज इक्वल टू 0 प्लस डी थ्री प्लस डी टू प्लस डी वन, तो मतलब 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो आंसर वही बात है, फर्स्ट क्लास दे रहा है, 3 डिजिट वाले नंबर का भी सम दे रहा है। 2 डिजिट वाला नंबर डालोगे उसका भी ये सम देगा, बस फर्क क्या होगा, अब ये एक और, अब आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, यहाँ पे जो आप x इज इक्वल टू x बाय 10 किया था ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो 1 डिजिट का नंबर दोगे उसका भी सम निकाल के देगा। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, शायद जब मैं ये लेक्चर आपको दे रहा था तो उस टाइम पे बात स्किप हो गई थी, तो अब मेरे माइंड में आ गई तो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने प्रोग्राम बना करके दिखाया ना भाई, ये ध्यान रखना, ये अप टू, प्लीज ध्यान रखना, ये अप टू 4 डिजिट नंबर का सम दे रहा है आपको, अप टू 4 डिजिट नंबर का, ठीक है। 4 डिजिट का तो दे ही रहा है, तो अप टू 4 डिजिट का मतलब 1 डिजिट वाले नंबर का भी सम देगा ये, 2 डिजिट वाले का भी, 3 डिजिट का भी, 4 डिजिट का भी। 1 डिजिट वाले का तो ऑब्वियसली बात है सम वही का वही रह जाएगा, मतलब 1 का 1 ही रह जाएगा, बट ठीक है करके दे रहा है आपको, मना नहीं कर रहा है। तो मतलब अप टू 4 डिजिट नंबर तक के, अप टू 4 डिजिट नंबर का कोई भी डालोगे आप, आपको ये उसका सम कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अच्छा, आप सपोज करो आपने 5 डिजिट का नंबर डाला होगा तो क्या परेशानी होगी, तो मैं आपको समझा देता हूँ। आई थिंक आप अपने आप भी गेस कर पा रहे होंगे, आखिरी में बस यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फालतू आ जाएगा, मतलब इन द सेंस ये देखो, अगर आपने 1 2 3 4 5 दे दिया नंबर, ठीक है मैं यही लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, अगर आपने 5 डिजिट का नंबर दे दिया तो फिर क्या करेगा भैया, तो डी वन में क्या आएगा जी, डी वन में आएगा जी 5, है ना, डी वन में आएगा 5। एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 10 करोगे तो फिर यहाँ पे क्या नोट करें ना भाई प्लीज, मैंने टाइम नहीं दिया, आई थिंक आपने साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है जी। तो ये क्या बचेगा जी, 1 2 3 4 बचेगा। फिर आप बोलोगे जी डी टू इज इक्वल टू एक्स मॉड 10, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा जी, 4 आएगा। फिर आप बोलोगे जी एक्स बाय 10, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा जी, ये बचेगा जी 123। फिर डी थ्री इज इक्वल टू एक्स मॉड 10 करोगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा जी, 3 आएगा। x इज इक्वल टू एक्स बाय 10 करोगे तो फिर यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे क्या आएगा जी, 12 आएगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, मतलब 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 12 आप कर लोगे, ये दिक्कत हो गई। तो 5 डिजिट वाले का ये सम नहीं दे पाया, 4 डिजिट तक का सम दे देगा, समझ पा रहे हो। तो आंसर क्या आएगा जी, 12 प्लस, थोड़ा अच्छे से लिखे तो x, हाँ x की वैल्यू 12 थी, d3 आपने क्या निकाला है जी, 3 निकाला है, 12 प्लस 3 प्लस d2 4 था और d1 5 था, तो ये निकाल देगा, जो कि ऑब्वियसली बात है गलत है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा बच गया ना, ये मैं कहता एक्स्ट्रा बच जाएगा, थोड़ा सा आपको अपने आप से इमेजिन हो रहा होगा, तो 5 डिजिट वाले का सम नहीं दे पा रहा, ठीक है जी, नोट डाउन कर लो भाई इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया नोट डाउन, हाँ जी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमने एक और दिखाया था आपको, है ना, रिवर्स करने का भी दिखाया था मैंने आपको, है ना, रिवर्स करने वाला प्रोग्राम भी बनाया था। अब मेरे को स्लाइड नहीं नजर आ रही कहाँ पे थी वो, है ना, तो उसमें भी आप अपने आप चेक कर सकते हैं। ये देखो भाई, सीधी सी बात है, जब आप रिवर्स का प्रोग्राम बना रहे थे तो क्या वो भी ऐसे करेगा, अप टू 4 डिजिट नंबर का रिवर्स करके देगा क्या, 3 डिजिट का नंबर डालोगे तो उसको रिवर्स करके देगा, ये नहीं करके देगा, प्लीज ध्यान रखना भाई, वहां पे थोड़ी सी आपसे दिक्कत हो जाएगी। तो वो आपके लिए होमवर्क है, जब मैंने रिवर्स वाला कराया था आपको, रिवर्स द डिजिट, तो रिवर्स द डिजिट में मैंने आपको क्या कहा था भाई, ये तो पहले आपको सारा कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा, 7 डिजिट तो आपको अलग करनी पड़ेगी। डिजिट्स अलग करने के बाद फिर हम क्या कहते थे, जो पहली डिजिट आपने अलग करी है ना, उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, दूसरी वाली को 100 से कर देना, तीसरी वाली को 10 से कर देना और चौथी वाली को 0 से कर देना, मतलब 1 से कर देना, सॉरी 0 से तो सारा 0 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना, एंड सो मैंने आपको सिखाया था। तो अब आप सपोज करो, अगर आपने 1 2 3 डाला होगा ना, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप अपने आप सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। तो डिजिट्स आपने अलग करी तो D1 में आया जी सपोज कर लो 4, D2 में आया जी 3, D3 में आया जी 2 और X में हमने फाइनली 1 निकाला था, तो 4 अलग अलग होगी थी ना, तो हमने क्या बोलना था जी, D1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस D2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस D3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस X, हम ऐसे किया करते थे। अब सपोज करो आपने ये नंबर क्या डाला हुआ था, हमने 1 2 3 4 डाला हुआ था, है ना, मैं एक बार ढंग से लिख देता हूँ, आपने नंबर डाला हुआ था जी 1 2 3 4, उसके लिए हमने ये सब किया था। अब सपोज करो आपने डाला नंबर 1 2 3, अगर आपने नंबर डाला 1 2 3 तो D1 में क्या आया होगा जी 3, D2 में क्या आया होगा जी 2, D3 में क्या आया होगा जी 1 और X में क्या आया होगा जी 0। ये मैं अभी आपको ऊपर समझा के आया, जब हम डिजिट्स अलग अलग कर रहे हैं तो ये सब बन के आया था, नहीं याद आता तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। तो अब आप क्या करोगे जी, ध्यान से देखना, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पता है क्या करो, मैं ऐसे लिखता हूँ, 3000 करोगे, फिर 2 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 200 करोगे, 1 को आपने 10 से किया था और यहाँ पे बचा था तो 0, 0 को आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही आएगा, तो 3210 नंबर आया जाएगा जी, रिवर्स नहीं हुआ। 123 आपने नंबर डाला था और उसका रिवर्स होके 3210 आ रहा है। सिमिलरली अगर आपने 12 नंबर डाला होगा तो फिर ये रिवर्स करके 2100 बना देगा उसको,
वन टू का रिवर्स टू वन आना चाहिए था, बट ये 2100 आएगा। क्यों आएगा वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो आप सबसे पहले डिजिट अलग करते हो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा है अप टू वन, अप टू 4 डिजिट नंबर को रिवर्स नहीं कर रहा है, वो एक्जैक्टली 4 डिजिट के नंबर को रिवर्स कर रहा है, प्लीज ध्यान रखना। तो जब आप सम कैलकुलेट कर रहे हो तो अप टू 4 डिजिट नंबर तक का सम कैलकुलेट करके दे देगा, जब आप रिवर्स कर रहे हो तो फिर ये अप टू 4 डिजिट नंबर को रिवर्स नहीं कर रहा, ये एक्जैक्टली 4 डिजिट के नंबर को रिवर्स करेगा। प्लीज नोट डाउन कर लो इसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में आ सकती है। ये डीप एनालिसिस है, मैं डाइव इन डीप करके आपको चीजें समझा रहा हूँ, कोशिश करो समझने की, नहीं समझ आए तो वीडियो को रिमाइंड करके देखना। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, छोटा कर देते हैं एक बार, नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया भाई, नजर नहीं आएगा आपको। वैसे तो आपने कर लिया होगा नोट डाउन, ये सब कर लिया होगा, और ये भी आप कर लेना। ठीक है, ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।